अच्छा 22 हो गया था, 23, 24, 25, सर्टेन सिटी, ओनली टू न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड, इट इज नोन दैट 25 हो गया था क्या? नहीं हुआ, चलो इसको नहीं सर, फटाफट नहीं सर, चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25। Density, only two newspaper A and B are published. It is known that 25% of the city population read A and 20% by 8% read B. It is known that 30% of those who read A but not B look into advertisement, and 40% of those who read B but not A look into advertisement, while 50% of those who read A and B look into advertisement. What percentage of population read in advertisement? आंसर कितना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14 आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको। आ रहा है आपसे? लेट से लेट सिटी पॉपुलेशन भी हंड्रेड पी ले ले, पी क्यों ले लिया? ये मल्टीप्लाइंग हंड्रेड पी ले लेता हूँ सिटी की पॉपुलेशन, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ। यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, इन अ सिटी ओनली टू न्यूज़पेपर, मतलब ए ए और ए बी हो गया, लेट्स सी बी हो गया, हाँ ये एक्स हो गया, ए बी एंड एक्स। अब ये क्या हो गया? It is known that 25% of the city population read A and 20% read B, while 8% read both. तो अच्छा 8% का क्या मतलब है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8p. अच्छा यहाँ पे A में इधर कितना आएगा? इधर कितना आ जाएगा? 17p. Alone. 17p. 25. 17p आएगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, ये क्या बोल रहा है? अब आगे पढ़ते हैं। इट इज आल्सो नोन दैट 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। ए बट नॉट इसका कितना? एडवर्टाइजमेंट इसका 17 का, 17 का 30%, 30% मतलब 30/100 50 upon 10. 30% आ जाएगा। अच्छा फिर क्या बोल रहा है? ये एडवर्टीजमेंट में लिखता है, करता है
एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए लुक इनटू, मतलब इसका कितना परसेंट 40%, तो प्लस 12 पी का 40%, क्या 40/100 आ जाएगा प्लस और क्या आएगा देखो, और कुछ दिया हुआ है, और क्या गिवन है नेक्स्ट, और क्या गिवन है, अगला लाइन देख लेते हैं, व्हाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी लुक इनटू इट वे, मतलब इसका कितना परसेंट 8p का 50% की बात कर रहे हैं। तो अभी बोला जा रहा है कि लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन रीड इन एडवर्टाइजमेंट, तो हमें ये देखना है कि एडवर्टाइजमेंट में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है। ये सब एडवर्टाइजमेंट वाली सिचुएशन है, सब एडवर्टाइजमेंट का ही केस है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो सर सबको अपॉन 10 ले तो नहीं कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये कट कर 139 ना। अब ये बोला जा रहा है कि परसेंटेज एडवर्टीजमेंट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे हम 139p/100/10 डिवाइडेड बाय 100p कर देंगे। बाय द वे ये कितना हो गया 100p इनटू 100 करेंगे ना, इनटू 100 चेक हां सर क्यों करेंगे, देखो ये टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज निकाल रहा है, हां परसेंटेज निकाल रहा है, तो ये 100 कट हो गया, तो क्या ये 13.9% आ गया, हां सर राउंड करके 13.9 नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हो जाएगा तुमसे, ये सब हो चुका होगा। हां सर 32 हो गया था क्या? हां सर हां सर 32 हां सर नहीं हां नहीं किया नहीं है पर हो गया ना, हो जाएगा आप कुछ हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन ही आया था ना, क्वेश्चन नंबर ये अपनी शीट है ना जिसमें आपके हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 सेम था ना, पूरा डिफरेंट है ऑलमोस्ट, हमने किया है हां ऑलमोस्ट क्या हो। अच्छा इसमें देखो हां ये क्या पहला क्वेश्चन हो गया था सर, ये होमवर्क था नॉट करेक्ट, हां करो फटाफट पहला करो अच्छा और आंसर लिखो। सर आप 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ ठीक है देखा मैंने। Which of the following is not correct? एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्या गिवन है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 5। करेक्ट है, करेक्ट है सर, करेक्ट है। तो देखना है नॉट करेक्ट वाला सिचुएशन, ठीक है इस पर ध्यान। हाँ ये करेक्ट है। अच्छा यदि ए ए जो है 5 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये हमेशा ये ट्रू होता है, ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा।
तो ये नहीं करना है, पहला डिस्कस होगी। अच्छा सेकंड के बारे में देख लेते हैं, सेकंड क्या है, क्या बोला जा रहा है इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड इज अ यूनिवर्सल। तो ये क्लियर है क्या? तो ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट हो जाएगा ना? हाँ मतलब सेट हो जाएगा, सबसेट इज अ ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब कैसा हो यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? यदि इसके अलावा कुछ और देखें तो कभी भी ये सबसेट मिलता ही नहीं है इनके अलावा, इनके अलावा जो तभी भी नहीं बनता ना। यदि ये यूनिवर्सल सेट को एक्स ले लेता हूँ और ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाला होता है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, दो अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन हाँ यदि फाई और यूनिवर्सल सेट हो तो फिर तो कुछ केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये तो सर ये फॉल्स हुआ ना? नहीं सेकंड तो ट्रू हो गया, है क्योंकि उधर लिखा है इफ एंड ओनली इफ। हाँ तो कंडीशन दी है ना? हाँ कंडीशन दी है ना, इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब? देखो वो उसमें कंडीशन है, सेकंड वाले में, सेकंड वाले का कंडीशन इफ, इसके बारे में देख लेते हैं। ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है ना, या इस तरह से बोल देते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में आता है ये इस तरह से, और इसको डबल इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, पी इम्प्लाई क्यू, डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, ये दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू। तो इसका कहने का मतलब है कि इफ पी देन क्यू एंड, साथ ही साथ और क्या होगा, एंड एंड क्या होगा, इफ पी इफ क्यू देन पी, ये दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद जो भी डिस्कशन आता है वो इफ एंड ओनली इफ के आता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, देखो इफ पी देन क्यू मतलब इफ दिस देन देन एक्स इज यूनिवर्सल सेट, मतलब सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि ये गिवन है तो फिर ये ऐसा होगा, पहला केस लेंगे, और दूसरे सिनेरियो में लेंगे कि ये गिवन है तो फिर ऐसा होगा। ओके समझ रहे ना, तो इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब होता है दोनों भी में देखना पड़ता है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही देखना पड़ता है इसमें। अच्छा बताओ क्या तीसरा सही है? हाँ सर करेक्ट है, ट्रू है। नहीं सर फॉल्स, नहीं फॉल लाइक नॉट कंपलसरी, ट्रू ही होगा पर हो सकता है, ट्रू ही होना चाहिए क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी होता तो बी नॉट इक्वल टू सी हो सकता, दोनों ही सिचुएशन हो सकता। नहीं पर अगर सी के अंदर कोई एलिमेंट है जो ए के अंदर, हां तो हां तो वही हो जाएगा। हां तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है पर नॉट कंपलसरी, थ्री नॉट कंपलसरी, तो क्या यही गलत? हाँ ये फॉल्स रहेगा फिर। हाँ ये गलत है, गलत फॉल्स होगा। हाँ सर इसी को चेक करना है, नॉट करेक्ट इसके, है ना, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी। हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है सर, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस दी है, ए और ए आर बी इक्वल है ना, दोनों ही कंडीशंस। हाँ तो ये ट्रू होगा, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इज नॉट अ सेट, वो डिसीजन पॉइंट का हो गया। अच्छा इसकी दिक्कत में है, हां क्या प्रश्न नंबर 4 कर सकते हैं? करो इसको। सो कार्डिनलिटी के मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टेक्निकल वर्ड है।
solve this question. ये होमवर्क था ना? होमवर्क था ये. हाँ सर, हो गया कॉन्टेस्ट. हाफ अवर वोटेड फॉर मिस ए एंड टू थर्ड वोटेड फॉर मिस बी, 10 वोटेड फॉर बोथ एंड 6 डिड नॉट वोट फॉर आइदर, देन हाउ मेनी एक्सपर्ट वर देयर इन नॉट दिस. सो यूनिवर्सल सेट निकालना. थोड़ा टाइम दो इसमें और फिर डिस्कशन करते हैं. ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट, आपकी नंबर ऑफ एक्सपर्ट वोटेड फॉर मिस, तो हम एक काम करते हैं, लेट नंबर ऑफ एक्सपर्ट, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इक्वल टू एक्स ले लें. अब द नंबर ऑफ एक्सपर्ट वोटेड फॉर मिस ए, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? हाफ मतलब एक्स बाई टू ना, तो मेरा आंसर 24 आ रहा है. चेक करता हूँ आपने ना. एंड टू थर्ड वोटेड फॉर मिस बी, तो एन ऑफ बी कितना हो गया? टू थर्ड मतलब 2/3 ऑफ एक्स है ना. 10 वोटेड फॉर बोथ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 10 ये. एंड 6 डिड नॉट वोट फॉर आइदर, तो एन ऑफ A union B complement. Union B complement will be 6. Now how many experts are there in all? So total. So sir, एक equation बन जाएगा ना. X is equal to x upon 2. X upon 2 plus 2/3 x minus 4. Expert. हाँ पहली बात तो ये देख लेते हैं. ये n of a union b के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? क्या x माइनस 6 हो जाएगा? x माइनस 6 हो जाएगा है ना. हाँ सर. अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू n of a x by 2 प्लस n of b 2x by 3 और माइनस 10. क्या ये सही है? हाँ सर. समझ आए? अब इसको सॉल्व कर देना. तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो